नंबर टू हम ले रहे हैं सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज ये भी हमें सॉल्वेंसी की पोजीशन बताते हैं कि कंपनी जो है कितनी सॉल्वेंट है, वो अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट जो है वो कितनी आसानी से कर सकती है, उसके बारे में अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। और इसमें जो पहला रेशियो अपन ले रहे हैं दैट इज डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो शॉर्ट में हम इसे कह सकते हैं डेप्ट इक्विटी रेशियो, DER। सही है। डेप्ट इक्विटी रेशियो का आपका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, इसका फॉर्मूला है आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेप्ट यानी LTD अपॉन शेयर होल्डर फंड। अपन ने ये बात चार्ट में भी डिस्कस की थी, देखें चार्ट में अपन ने देखा था लॉन्ग टर्म डेप्ट थे डिबेंचर्स एंड लोन वगैरह, और शेयर होल्डर फंड था आपका इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। ये पूरा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो आपका शेयर होल्डर फंड हो जाएगा, ऊपर आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट है ना। ट्वेल्थ में आप इसका दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, इसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है, जो कि अगर ये चीज आपका एग्जैक्टली नहीं दे रखी हो तो एक और फॉर्मूला इसका है क्या, एक्सटर्नल डेप्ट अपॉन इंटरनल डेप्ट। सही है। एक्सटर्नल डेप्ट का मतलब होता है टोटल डेप्ट जो बाहर चुकानी है। टोटल डेप्ट में क्या आता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेप्ट, तो ये इसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला हो गया। एक्सटर्नल डेप्ट जो बाहर चुकानी है इसका मतलब है टोटल डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस शॉर्ट टर्म डेप्ट। इंटरनल डेप्ट जो बाहर नहीं चुकानी है तो ये क्या हो गई, शोल्डर फंड। तो लिखने का तरीका अलग हो गया। हाँ, यहाँ केवल लॉन्ग टर्म डेप्ट थी, इसमें लॉन्ग टर्म डेप्ट और शॉर्ट टर्म डेप्ट दोनों हैं, तो इसका फॉर्मूले का आंसर अलग आएगा, लेकिन जो फॉर्मूला आप लिखोगे ना कॉपी उसी के अकॉर्डिंग चेक होगी। तो इसमें दो फॉर्मूले, बाकी ट्वेल्थ में बेसिकली आपका 99% तक यही फॉर्मूला काम आएगा, 1% में ये फॉर्मूला भी कभी काम आ सकता है, और आगे सीनियर क्लासेस में तो दोनों ही फॉर्मूले आपके काम आ रहे हैं। सीनियर क्लासेस में नॉर्मली ये वाला फॉर्मूला जो है वो ज़्यादा काम आएगा। सही है, ट्वेल्थ में ज़्यादा ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। तो ये आपका पहला फॉर्मूला हुआ डेप्ट इक्विटी रेशियो, इसको भी, इसका जो स्टैंडर्ड होता है ना वो भी 2:1 ही होता है, मतलब सेफ माना जाता है कि अगर आपकी दो एक्सटर्नल डेप्ट लगी हुई हैं, बाहर के पैसे लगे हुए हैं, तो एक रुपया आपका भी लगा हुआ होना चाहिए। ये नहीं केवल बाहर के पैसों से ही आप काम कर रहे हैं, इससे तो वो बाहर वाले जो लोग हैं वो अनसेफ हो जाएंगे कि इन्होंने खुद ने तो 1 रुपया ही लगा रखा है और हमारे 2 रुपये से भी ज़्यादा लगवा दिए। तो इसका भी स्टैंडर्ड जो है वो 2:1 ही रहता है। सही है, आगे देखते हैं। नंबर टू फॉर्मूला हम देख रहे हैं ये है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, इसका आपका जो फॉर्मूला है वो है टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट। ठीक है, टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट। टोटल एसेट्स में मैं आपको बताऊं, अपन ने चार्ट में देखा था, ये देखिए ये एसेट साइड है, एक तो फिक्स एसेट्स है, एक करंट एसेट्स है, जिनको हम अब नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स कहेंगे। तो टोटल एसेट्स का मतलब है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट, दोनों को जोड़ दें ये टोटल एसेट्स है। और लॉन्ग टर्म डेप्ट तो अपन पहले ही देख चुके हैं, इसमें क्या क्या आता है, डिबेंचर्स आते हैं और लोन्स आते हैं। सही है, तो ये आपका हो गया टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। ओके, तो थर्ड रेशियो अपन ले रहे हैं प्रोप्राइटरी रेशियो प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। क्या,
प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स। प्रोप्राइटर फंड का मतलब क्या होता है? प्रोप्राइटर फंड का मतलब होता है शेयरहोल्डर फंड, सही है। और टोटल असेट्स का मतलब तो हम जान के आए हैं, सारी एसेट जो नहीं है यानी नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। और शेयरहोल्डर फंड का मतलब हमको पता है, हमने चार्ट में डिस्कस किया था। शेयरहोल्डर फंड का मतलब क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, सही है। तो ये आपका क्या हो गया? प्रोप्राइटरी रेशियो। देन नेक्स्ट हम ले रहे हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि आपकी इनकम कितनी है, आप उससे कितनी बार इंटरेस्ट चुका सकते हो, कितनी बार इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो कर सकते हो, वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहलाता है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जो आपका फॉर्मूला है वो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कई लोग इसको शॉर्ट में ईबीआईटी भी लिखते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सही है। कई लोग इसको पीबीआईटी भी लिखते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है, कैसे कैलकुलेट होगा, इसको अपन को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ईबीआईटी जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में भी आपके आगे की फर्दर स्टडीज में काम आएगा। देखते हैं कैसे। तो ईबीआईटी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अपन देख रहे हैं। ईबीआईटी में से मैं अगर इंटरेस्ट यानी आई लेस कर दूं, ईबीआईटी में से आई गया तो क्या बचा? ईबीटी। तो मैं क्या बचा? ईबीटी यानी अर्निंग बिफोर टैक्स। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट गया तो क्या बचा? ईबीटी। अब ईबीटी में से मैं क्या लेस करूंगा? अर्निंग बिफोर टैक्स में से मैं टैक्स लेस कर दूंगा। टैक्स इसी पे कोई परसेंटेज होगा, दे रखा होगा क्वेश्चन में, उसे मैं अगर लेस कर दूं, ईबीटी में से टैक्स को लेस कर दूं, तो अर्निंग बिफोर टैक्स में से यदि टैक्स लेस हो गया तो ये क्या निकलेगा? ये निकलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स यानी टैक्स के बाद। ये था अर्निंग बिफोर टैक्स, यदि टैक्स से पहले उसमें से यदि टैक्स लेस हो गया तो क्या निकल गया? अर्निंग आफ्टर टैक्स, सही है। तो ये एक फॉर्मेट है जो कि आपको दे रखा होगा, चीजें दे रखी होंगी। आपको क्या कहेगा कि अर्निंग आफ्टर टैक्स दे रखा है। अर्निंग आफ्टर टैक्स में यदि मैं उल्टा चल रहे हैं तो अब साइन उल्टे हो जाएंगे। अर्निंग आफ्टर टैक्स में यदि मैं टैक्स जोड़ दूं तो क्या निकल जाएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स में यदि मैं इंटरेस्ट जोड़ दूं तो क्या निकल जाएगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और यही आपको क्वेश्चन में चाहिए, सही है। अब सर इंटरेस्ट किस पर निकलेगा? इंटरेस्ट निकलेगा जितनी भी लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हैं यानी डिबेंचर्स पर और लोन्स पर, सही है। सर टैक्स किस पे निकलेगा? टैक्स तो ईबीटी पे ही निकलता है हमेशा, ये बात ध्यान रखनी है, सही है। और आप अर्निंग आफ्टर टैक्स से टैक्स को जोड़ेंगे तो आपको अर्निंग बिफोर टैक्स का एक फॉर्मूला बता देता हूं। अर्निंग बिफोर टैक्स का फॉर्मूला है कि जो आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स दे रखी है ना, उसको डिवाइड कर दो 1 माइनस टैक्स रेट से। क्या अर्निंग बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने का एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया है कि अर्निंग आफ्टर टैक्स जो आपको दे रखी है उसको 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर दो तो आपका इजीली अर्निंग बिफोर टैक्स निकल जाएगा, सही है। तो ये अर्निंग बिफोर टैक्स निकालने का एक तरीका रहेगा, इसका जब आप यूज करेंगे तभी आपको ज्यादा क्लियर होगा। अभी ये तो आप इतना फॉर्मेट याद रखिए कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से यदि इंटरेस्ट को लेस करते हैं तो ये ईबीटी निकलता है, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स को लेस करते हैं तो क्या निकलता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स। इस वाले फॉर्मूले को फर्दर आगे भी सॉल्व किया जा सकता है कि अर्निंग आफ्टर टैक्स में से जब टैक्स पे हो गया तो गवर्नमेंट के सबसे पहले तो हमको गवर्नमेंट का अर्निंग में से टैक्स देना पड़ता है, हमने टैक्स दे दिया। अब टैक्स पे करने के बाद अब शेयर होल्डर कहेंगे भाई हमें डिविडेंड दो, तो शेयर होल्डर भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो इक्विटी शेयर होल्डर एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो पहले डिविडेंड किसको देते हैं भाई? डिविडेंड हमको देना है तो पहले हम डिविडेंड किसको देंगे? तो प्रेफरेंस शेयर को प्रायोरिटी होती है, तो पहले इसमें से लेस करेंगे, लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। सबसे पहले प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लेस करते हैं। अब जो ये प्रॉफिट बचा, अर्निंग बची, ये अर्निंग किसके लिए बची? क्यों प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड तो दे दिया, अभी अर्निंग बची इक्विटी के लिए, तो इसको कहा जाता है अर्निंग फॉर
इक्विटी, ये अर्निंग फॉर इक्विटी है। इस अर्निंग फॉर इक्विटी को अगर मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दूं, किसको, ये प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लेस करने के बाद ये क्या है, अर्निंग फॉर इक्विटी। इस अर्निंग फॉर इक्विटी को अगर मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दूं तो ये आपका निकलता है अर्निंग पर शेयर। क्या निकलता है, अर्निंग पर शेयर। तो ये वाली जो अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद की जो कैलकुलेशन बताई है ना, ये नॉर्मली ट्वेल्थ में काम नहीं आती है, है ना, ये नॉर्मली सीनियर क्लासेस में काम आती है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए अगर आप ये रखो याद तो ध्यान रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस तरीके से जो आप EBIT यहां से कैलकुलेट करेंगे, ये EBIT आप इसको यहां पुट कर देंगे डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, वही जो इंटरेस्ट डिबेंचर लोन पे कैलकुलेट किया है, तो ये आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ जाएगा। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा टाइम्स में, किस में आएगा, टाइम्स में, क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि भाई हमारा प्रॉफिट कितना है, हम उससे इंटरेस्ट कितनी बार चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो का आंसर जो आएगा वो तो इस टू वन में आएगा। ओके, ऐसे ही आपने जो डेप्ट इक्विटी रेशियो किया, टोटल असेट टू डेप्ट रेशियो किया, इसका आंसर भी किस में आएगा, इस टू वन में आएगा। जो डेप्ट इक्विटी रेशियो किया उसका जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, इस टू वन। यानी हर चीज को आपको वन के कंपैरिजन में जो है वो आपको दिखाना है, क्लियर है। लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किस में आएगा, ये आपका आएगा टाइम्स के अंदर। ओके, आगे चलते हैं।